हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जीजी प्लांट के बारे में। उससे पहले देखिए, ये मेरा परचुलका का पौधा कितना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। बहुत सुंदर कलर निकल के आया है इसका। ये हमारे पास एक जीजी प्लांट का पौधा है, इसको मैं 1 साल पहले लाई थी। ये नर्सरी पॉट में ही लगा हुआ था। इसको मैं आज रिपोर्ट करूँगी। ये मेरा पौधा बिल्कुल रेड मिट्टी में लगा हुआ था, इसलिए ग्रो नहीं हो रहा था अच्छा से। इसको मैं रिपोर्ट करूंगी आज। इसके लिए हमने 6 6 इंच का गमला लिया है, उसके हॉल पे ठिकड़ी रख ली है। अगर आपका भी पौधा लाल मिट्टी या कोकोपीट में लगा हो तो 60% तक उसको हटाइए। मैं तो पूरा ही हटा रही हूँ, क्योंकि इसका जड़ बिल्कुल नहीं फैल पा रहा था। इसके जड़ तो बिल्कुल सही है। इसके लिए हमने मिट्टी बनाया है, उसमें 30% तक रिवर सैंड यूज की हूँ, थोड़ा सा राइस हस्क। आपके पास राइस हस्क है तो यूज कर सकते हैं, एक मुट्ठी के करीब। या परलाइट भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास तो परलाइट नहीं है, मैं यूज भी नहीं करती हूँ। 50% के करीब मिट्टी रखा है, भुरभुरी मिट्टी। 20% पत्तों का खाद या वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर लें, और एक मुट्ठी करीब नीम खली भी मिलाएं मिट्टी में। जीजी प्लांट का पौधा इंडोर पौधा है, इसको ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। मेरा भी पौधा खिड़की के सामने रखा रहता है। जीजी प्लांट का पौधा हमेशा पानी की वजह से ही खराब होता है। वो ओवर वाटरिंग हो जाता है तो इसके जड़ें सड़ने लगती है। इसको आप पानी चेक करके दें, मिट्टी हमेशा चेक करें। मिट्टी 2 इंच तक सूख जाए तभी पानी दीजिए। इसमें मैं साफ फंगिसाइड का पानी डाल रही हूँ, मिक्स करके आधा चम्मच के करीब। आपके पास साफ फंगिसाइड नहीं है तो हल्दी वाला भी पानी डाल सकते हैं, 1 चम्मच के करीब मिक्स करके। जीजी प्लांट को खाद की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको साल में 2 बार ही खाद दीजिए। स्प्रिंग सीजन और मानसून सीजन में दे सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू।